अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। जुबैर, क्या कह रही है वो? वो कह रही है वो तुम्हारे होते हुए यहाँ नहीं रह सकती। क्या मतलब है इस बात का? पूरी रात से मैं परेशान हूँ। खुद को महफूज करने के लिए ही मैंने ये बात बोली है। अगर तुम्हारी फूफी को कुछ भी हुआ ना, इतना सा बाल मेकअप भी हुआ, तो नताइज की जिम्मेदार तुम होगी। फिर प्यार नहीं देखना मेरा, इंतहाई नफरत देखना मेरी। और हाँ, अगर चाचू को बताया ना तो पता है ना मैं क्या करूंगी? पता है ना? खा लेना रोटी। आराम से, आराम से, आराम से, बहुत आराम से, आराम से। हाँ, सुकून से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुकून से। अल्लाह का शुक्र है तुम खैरियत से आ गई। लेकिन अब तुम कोई खुदा के वास्ते कोई जहनी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि दिल का मामला बहुत हसास होता है। बस सुकून से रहो, सुकून से। कैसी तबीयत है पप्पू आपकी? मैं बहुत परेशान थी आपके लिए। अच्छा, परेशान थी? हाँ भाई, तुम्हें पता है सबा, तुम्हारी फूफी तुम्हें कितना प्यार करती है और तुमने इसे दुख दी, बहुत दुख दी। अरे नहीं नहीं बात तो करने दो उसे, पता तो चले कि ये तुम्हें कितने दुख दे रही है। सबा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, आगे तुम खुद समझदार। पप्पू, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे माफ कर दे प्लीज। तुमने जाने की बात कितनी आसानी से कर दी सबा। अगर तुम्हें अपने पप्पा से कोई शिकायत है तो करो, सामने बैठे मैं। हाँ करो करो भाई, जो भी बात है मेरे मुंह पे करो, जो गुस्सा उतारना है मुझ पर उतारो, क्यों, मैं तो सामने बैठा हूँ। मैंने तुम पर कोई रोक टोक की, कोई किसी किस्म का कोई दबाव डाला तुम पर? बताओ बताओ। सबा, तुमने अपने फुप्पा को बहुत दिल बर्दाश्ता किया है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए इनसे। फुप्पा, मुझे आपकी तबीयत का एहसास है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी। देख लिए इसके तेवर, ठीक नहीं होने देगी ये तुम्हें। ये लिख लो मेरी बात, नहीं होने देगी ये ठीक। मुझसे छीन रही है तुम्हें, आहिस्ता आहिस्ता घुला घुला के मार रही है। बहरहाल दवाएं वाएं खाती रहना भाई, तुम दवाएं खाती रहोगी मुझे सुकून रहेगा। तुम्हें पता है कि मैं दफ्तर तक मैं बेचैन रहता हूँ तुम्हारी वजह से। बोलती क्यों नहीं कहाँ गई थी? इतनी देर क्यों लगा दी? चाची, अब मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं मांगनी है भीख। अच्छा, भीख नहीं मांगेगी तो मनिस्टर लगवा दूं तुझे मैं। भीख मांगेगी तो डर रहेगी। चाची, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, रखिए रोटी खा लेना। और हाँ, अगर चाचू को बताया ना तो पता है ना मैं क्या करूंगी? क्या हो गया तुझे? बस तुझे तो बहाना चाहिए रोने का। कल वो आंटी आएगी, उसके साथ जाना है। चाची, आप मैं स्कूल कब भेजेंगी? कोई स्कूल उसकूल नहीं जाएगी। अब रोजाना उस आंटी के साथ जाना है तूने। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, वो हर वक्त मुझे घुमा।
घुमाती रहती हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, घुमाती हैं तो, तुझे तो शौक है घूमने फिरने का। और वैसे भी कान खोल के सुन ले, अगर चाचा को पता चला ना तो फिर तू देखना। मैं सबा भी को बताऊंगी। क्या बोली तू? सबा भी को बताएगी? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी अगर तेरी बात निकली ना जबान से, फिर तू देखना। जो का है ना वैसे ही करना। दिखावे के थे खून के सारे रिश्ते, सर पे साया थे बंद सारे रस्ते, ठहर सी गई जिंदगी यूं, मिला ना कोई सहारा। आंटी मेरी वजह से जो भी गलतफहमी पैदा हुई है ना, मैं आपसे माफी चाहता हूँ उसके लिए। यकीन कर रहे हैं आंटी, आप लोगों ने जो भी मेरे बारे में समझा है वो सब कंफ्यूजन थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो बेटा, मैंने तुम्हें एतमाद करके यहाँ बुलाया है, तुम्हें तो पता है ना कि सबा के पप्पा किस कदर नाराज हैं तुमसे। अब बताओ असल बात क्या है। वो आंटी असल में कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ पप्पा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जाओ बेटा। आंटी मैं कल भी आया था लेकिन आप शायद घर पे नहीं थी कल। तुम कल आए थे लेकिन सबा ने तो कुछ नहीं बताया। वो आंटी मैं उसी वक्त वापस चला गया था इसलिए आपको पता नहीं लगा होगा। ठीक है बेटा, अब बताओ क्या बात है। आंटी आपकी जो भतीजी है सबा, ये वाकई बहुत टैलेंटेड है। इसने एक ऐप बनाई थी जो हमारी कंपनी को बहुत पसंद आई थी और उसने उसी ऐप का आइडिया हमें पिच भी किया था, और हम ये चाह रहे थे कि सबा हमारे साथ हमारी फर्म में हमारे साथ काम करें। लेकिन बेटा सबा ने तो ये बात मुझे कभी भी नहीं बताई। शायद वो आपको अभी बताना नहीं चाह रही हो इसीलिए। सही कह रहा हो तुम, पता नहीं क्या क्या छुपाती रहती है। नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तबीयत कैसी है आपकी? काफी बेहतर है। सबा तुम एक बात बताओ मुझे, ये पूछें तुम जॉब करना चाह रही? नहीं पप्पो ऐसी कोई बात नहीं। अरसल तो यही कह रहा था कि वो तुम्हें कोई जॉब देना चाह रहा है, तुमने उसे कोई प्रोग्राम बनाकर भेजा था, वो तो उसे बहुत पसंद आया। पप्पो आपको उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? अगर आप लोगों को मुझ पर शक है तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ हाँ मुझे अंदाजा है अब, लेकिन हम तो परेशान थे ना। देखो जॉब वाली बात तुम हमसे छुपा रही थी। बस मैं नहीं करना चाह रही जॉब। तो फिर ये सारा मामला क्या है? मामला कुछ भी नहीं है पप्पो, बस जो हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। देखो सबा अभी तुम पढ़ रही हो, जब पढ़ाई खत्म हो जाए ना तो फिर इस बारे में सोच लेना। मुझे समझ नहीं आ रहा पप्पो, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? तुम इतना क्यों चिढ़ रही हो बेटा? मैंने तो तुम्हारे पप्पा को ये भी नहीं बताया कि अरसल आया था, अगर उन्हें पता चलेगा तो वो कितना नाराज होंगे। पप्पो अब सच में मुझे यहाँ बहुत घुटन होने लगी। सबा तुम्हें क्या लगता है किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है? जो तुम्हारे दिल में आता है तुम करती हो, और अब तो
तुम पूछने तक की जहमत गवारा नहीं सकती। कभी कभी तो लगता है कि तुम्हारे फूफा बिल्कुल सच कहते हैं। तो मुझे ठीक नहीं होने दोगी? सर मैं सारा को लेकर बाजार जा रही हूँ, तुम मम्मी को बता देना। अरे अम्मी को आने दो, उनसे पूछ के चली जाना। क्या हो गया अजहर, ऐसी कौन सी बड़ी बात है ये? हाँ हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सारा को बाजार साथ लेके जाते हुए अम्मी से पूछ लो। अरे क्या बारी बारी सबसे इजाजत लूँ मैं? बस अब्बू को बता के चली जाऊंगी। ठीक है, जो दिल में आए वो करो। हाँ हाँ जाओ, वैसे कौन सी परवाह तुम्हें मेरी। ये क्या शोर मचा रहा था? कुछ नहीं अब्बू, जाने दो उसे, मैं सारा को बाजार लेकर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आप ना सारा इंतजाम कर लेना बस। वैसे जब बाजार में पहुंच जाओ ना तो मुझे फोन कर देना, वैसे मैंने उनको कल ही इत्तला दे दी है, आज ये काम होना जरूरी है। ठीक है अब्बू, आप फिक्र ही नहीं करें, हो जाएगा। ठीक है, काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया। आगा जी फोन उठा ले। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। आगा जी आपका काम हो गया है, अब आपका और हमारा हिसाब बराबर। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आपका जो आपकी जो वसूली है ना वो तैयार है। हाँ कैसी हो जरीना? वाईम सलाम वाईम सलाम। हाँ वो मसरूफियत और परेशानी की वजह से बस आना जाना कहीं नहीं हो रहा मेरा। तुम सुनाओ, तुम्हारा भी तो आना नहीं हुआ? हाँ 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 अरे याद है याद है। मुझे याद नहीं होगा तो किसे होगा? नहीं नहीं यार, ओहो भाई अब बात अपने हाथ में है, यू समझो कि बात बन गई है। हाँ हारिस से भी मेरी बात तो नहीं हुई कोई। चलो हाँ तुम आओ ना। अरे तुम आओ तो तसल्ली से बात हो जाएगी सर, है ना? हाँ हाँ सब है, हाँ हाँ नौकरी वोकरी सब ठीक जा रही है, अब तो रिटायरमेंट का। हाँ 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 रिटायर हो जाएंगे तो। और चलो 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 ओके, हाँ खुदा हाफिज खुदा। क्या हुआ? बात की है मैंने। किससे? अरे सरीना से बात की, और किससे की, काफी दिन हो गए थे, चलेंगे उसकी तरफ। आज बहन की याद कैसे आ गई आपको? काफी दिन हो गए थे भाई, ताजियत के बाद जो फोन आया था उसके बाद अब फोन आया, अब मेरा भी दिल कर रहा था उससे बात करना था, बहन है मेरी। तुम तैयार रहना चलने के लिए, और हाँ वो सभा को भी कह देना वो भी साथ चली चलेगी, बाहर निकलेगी तो कुछ दिल बहलेगा, अच्छा लगेगा उसे। क्या बोलूं उसे, पता नहीं मानेगी भी या नहीं। भाई क्यों नहीं मानेगी, देखो समीना इतना सर पे मत चढ़ाओ उसे, तुम्हारे पास रह रही है, तुम जहां जाओगी वो भी जाएगी। और मेरी बात सुनो, जहां सख्ती बनती है वहां सख्ती करो, बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। वैसा थोड़ी है कि वो जो बोलेगी हम मानते चले जाएंगे, बड़े हैं हम। पता नहीं जुबैर उसकी बातें मेरा बड़ा दिल खराब करती हैं। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ एक साहब, लेकिन तुम इतना सीरियस मत लो उसे, अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करो, बताओ कि तुम फुप्पी हो, वो छोटी है तुमसे भाई, तुम्हारे भाई की बच्ची। वाह मैं तो तुम्हें सलाम करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ,
यानी कि 100 लोगों की पंचायत बैठी थी और फैसला नहीं कर पा रहे थे, तुमने 2 घंटों में, बल्कि उससे भी पहले तुमने फैसला कर दिया। वाह क्या बात है। उसे फैसले की परेशानी तो अभी तक भुगत रहे हैं। दिल बड़ा रखो समीना बेगम, सभा अगर यहाँ से गई तो बड़ी बदनामी होगी और सबसे पहली बदनामी तुम्हारी होगी। हाँ और तैयार रहना, चलना है। चलो मैं आता हूँ। अजहर, अजहर, नौरीन कहाँ है? नौरीन सारा के साथ बाजार गई है। अजहर तुम फौरन जाओ नौरीन के पीछे, वरना आज सारा हमसे जुदा हो जाएगी। क्या? हाँ सुमाइला, मैं तुमसे कॉलेज में ही बात करना चाह रही थी। यार अरसल को समझाओ कि वो बार बार मेरे घर मत आया करे। नहीं मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो रहा है यार। और तुमसे एक और जरूरी बात करनी थी, क्या कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे पास? इतने लाड प्यार से मैं लेकर आई थी तुम्हें, सब लोग कितनी मुखालफतें कर रहे थे और अभी तक कर रहे हैं। क्या क्या नहीं सुना मैंने और अब तक सुन रही हूँ। सबा ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने जरा नहीं सोचा मेरे बारे में। पप्पो मुझे आपका बहुत ख्याल है, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मैं आपको तकलीफ दूँ। तकलीफ देकर कह रही हो कि तकलीफ ना हो? पप्पो आपकी तकलीफ शायद कुछ टाइम के लिए है बस, लेकिन मैं तो मुसलसल तकलीफ में। ऐसा क्या है बेटा, बताती क्यों नहीं, क्यों छुपा रही हो मुझसे? पप्पो एक वक्त आएगा जब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, जब होगा जो देखा जाएगा, लेकिन अब घर से जाने की बात दोबारा मत करना। लेकिन पप्पो, बस अब मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तुमने पता है कितनी आसानी से बोल दिया, तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगी। तुमने जिद की ना तो अब अच्छा नहीं होगा। तुम मेरा नहीं सोचती तो उन दोनों का तो सोचो। अगर तुम घर छोड़कर चली गई तो जफर और आमना भी उन दोनों को नहीं रखेंगे। अगर खानदान को जोड़ कर रखना है ना तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। और हाँ, वो शाम को जुबैद की बहन जरीना के घर जाना है, तुम्हें भी चलना होगा। चौकी तो बहुत नाराज होगा, कहां से पूरे करूं मैं? नहीं माँ, हिसाब कम पड़ रहा है। नहीं नहीं ऐसे पूरे हैं। पूरे ही चाहिए मुझे, पूरे ये लो। ये पूरे हैं? वो 400 ही तो कम है, कम पैसे जमा हुए थे। लोगों की हालात भी तो खराब है ना। मुझे बेवकूफ बना रही है, मेरे हिसाब से 1000 कम हैं। जब तू झूठ बोलती है ना तो तेरी ये नजरें सच बोलती हैं और मुझे तेरे नोटों से पता चल जाता है। शौकीब, शौकीब मुझे क्या जरूरत पड़ी है जो मैं तुझे बेवकूफ बनाऊंगी? तेरी होशियारी ने तो मुझे काबू कर रखा है। कसम से
हर वक्त मुझे तेरी तो सोच रहती है। मेरे अम्मा अब्बा कहते थे लाखों में एक हूं। चल पैसे तो मैं पूरे कर लूंगा, ये बताओ वो बच्ची कहाँ है जिसे तू उस दिन लाई है? जा लेकर आओ उसे दोबारा, नोट छापने की मशीन है वो, बता रहा हूँ तुझे, जा ले आ, नोट बरसेंगे। ले आऊंगी ले आऊंगी। आ जी जा फिर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब मुझे वो बच्ची चाहिए। ठीक है ले आऊंगी ले आऊंगी। क्या हो गया, मुंह को लटका के बैठे हो? फिर नौकरी छुड़ गई क्या? नहीं वहीं से ही आ रहा हूं। तुम टिक कर नौकरी क्यों नहीं करते, हर दो घंटे बाद घर पे चक्कर लगा लेते हो, इसलिए तो घर में फाके पड़ रहे हैं। अगर घर में फाके पड़े हुए हैं तो तुम्हारे पास 50,000 रुपए कहां से आए? कौन सा 50,000 रुपए, दिमाग तो दुरुस्त है ना, ऐसी बातें ना करो, दिल धड़क रहा है। हाँ झूठ मत बोलो, अब्बा जी मिले थे मुझे। अब्बा जी मिले थे तो घर क्यों नहीं लेके आए? बोला था उन्हें नहीं आए, वो बोल रहे थे तुम्हारा भाई थाने में था, तो तुमने 50,000 रुपए दिए थे, बोले थे कि तुम्हारी मेहरबानी से वो बाहर आया। कहां से आए 50,000 रुपए तेरे पास? बोल भी कौन रहा है जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, अगर मैंने तुम्हें 50 रुपए भी नहीं दिए तो 50,000 रुपए कहां से आए? वाह अब तुम मुझ पर शक करोगे? भारी आदमी सिर्फ यही कर सकता, और क्या करेगा? तुम्हीं इससे बात किया करो, तुम्हारे शोरूम में। और मैं तुम्हारी बीवी, और वैसे भी वो पैसे बहन ने दिए थे मेरा नाम लेकर, उसका शौर जॉब जो करता है और ख्वाहिश पूरी करता है उसकी, कभी उसको अंगूठी ला के देता है, कभी बालियां ला के देता है, एक मेरा शौर है उसकी हर फरमाइश पूरी करता है, और मेरा शौर निकम्मा। नकाम का ना काज का दुश्मन आज का। खाम खाई के 1,000 रुपए आ रहे थे, रुक ही गए, फोन ही नहीं उठा रही साली मेरी। हाँ भाई कासिम बैठा होगा ना डेस्क पर, आप उससे करवा लें यार। नहीं मैं तो भाई मैं नहीं अब अभी नहीं, नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ बहन के यहाँ। हाँ कल ही आऊंगा, फिर कल ही आऊंगा। ठीक है हाँ चलो चलो सही, ओके चलिए। हाँ तैयार हो गई? हाँ बुलाओ सभा को, मैं इतने टैक्सी रुकवा रहा हूँ। जुबैर मुझे नहीं लगता कि सभा का जाने का मूड है, वो हमारे साथ जाएगी। क्यों नहीं जाएगी भाई, जरीना ने इतने प्यार से बुलाया है, मिल लेगी। मैं क्या करूं, जिद करके जबरदस्ती तो नहीं लेके जा सकती ना उसे। हाँ वाह समीना बेगम वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं। अरे बुलाओ उसे और जल्दी आओ बाहर, वरना जरीना नाराज हो जाएगी भाई। सब बेटा चलो ना हमारे साथ, इसको मेरा मूड नहीं है और मुझे कॉलेज का काम भी करना है, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। हमेशा जिद क्यों करने लग जाती हो, बड़ों की बात मान भी लेते हैं कभी। लेकिन पप्पो सबा जिद नहीं करो, जो मैं कह रही हूँ वो कर लो बेटा। पप्पो मैं जिद नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं जा सकती। तो ठीक है तुम नहीं जा रही ना, तो मैं भी नहीं जाती, मना कर देती हूँ तुम्हारे पप्पा को, चले जाएंगे अकेले अपनी बहन के घर। अच्छा ना नाराज क्यों हो रही हैं? चल रही हूँ मैं, बंद कर दो तुम्हें। भाई फकीरनी नहीं हो गई, मिनिस्टर हो गई, फोन ही उठा रही मेरे, नखरे तो देख जरा इसके, आने दे इसको, बताती हूँ मैं। कौन है? बाजी बाजी। ओ महारानी। बाजी सलाम अलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, बड़े नखरे हो गए तेरे,
तू मेरा फोन ही नहीं उठा रही है? आई बाजी माफ करना, आज कुछ देर हो गई, फोन की आवाज ही मैंने नहीं सुनी, झूले में पड़ा हुआ था। और तुझे तो शोकी का पता है ना, सारा दिन चख 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 झेड़ा करता रहता है, इसीलिए बस सुबह से उसमें लगी हुई थी। बाजी देर हो गई, माफ करना, बुलाओ। मुझे तो लगा तूने छुट्टी मार ली आज। आई नहीं बाजी, अल्लाह अल्लाह कर छुट्टी, और हम गरीब करेंगे छुट्टी, खाएंगे कहां से? नहीं बाजी, छुट्टी तो नसीबों में ही नहीं है। टाइम से आ गई, अच्छा हुआ, एहतियात किया कर। वैसे शुजू अभी निकल के गए, किसी टाइम पे भी घर पे वापस आ जाते। जब तक फोन ना करूँ ना, तब तक मत आया कर। ठीक है बाजी, ठीक है, मुझे पता है साहब जी का, मुझे पता है बड़ा सख्त बंदा है। हाँ, और हाँ, जब फोन करूँ ना, उसको छोड़ जाना फौरी तौर पर, कोई भी मुश्किल हुई ना फौरन छोड़ के जाना उसको। आदिया, ओ आदिया। नहीं बोल बाजी, नहीं बोल। ओ चुप कर तू, आ जा, चल जा आंटी के साथ। चल चल अम्मा, चुप करके जा, चल चल अम्मा। नहीं, डांटा नहीं कर मेरी बच्ची को, डांटा नहीं कर, चल चल चल, अल्लाह हाफिज। नाराज होती है बस, नाराज होती है। आखिर ये रोने धोने की क्या जरूरत है? ऐसा भी कुछ नहीं हो गया। अजहर, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं सिर्फ एक सूट लेने के लिए सारा को अपने साथ बाजार लेकर गई, और जब वापस आती हूँ तो इतना गुस्सा किया जाता है मुझ पे, और तुम क्यों मेरे पीछे बाजार आ गए? तुम्हें कौन सा शक था मुझ पे? शक नहीं, बोला था ना कि अम्मी को बताकर जाना, और तुम तो हर वक्त अपनी मनमानी करती हो। अम्मी को बुरा लगा तो उन्होंने मुझे बोल दिया। नहीं अजहर, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर ऐसी बात होती ना तो तुम मुझे फोन कर सकते थे, मुझसे बात कर सकते थे। तुम तो मेरे पीछे आ गए बाजार और मुझे घर ले आए, ये कौन सा तरीका है? कुछ ऐसी बात नहीं है, अम्मी ने बोला था तो मैं तुम्हारे पीछे आ गया, और वैसे भी तुमको तो पता है कि अम्मी सारा को लेकर कितनी एहतियात बरतती है। हाँ, एक सारा ही तो है इस घर में जिसे प्रोटोकॉल मिल रहा है, लेकिन तुम मुझे सच सच बताओ, तुम मुझ पे शक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने आखिर किया क्या है जो मैं तुम पे शक करूं? हाँ हाँ, लगा लो अंदाजे, तुम और तुम्हारी माँ ना कभी भी मुझे दिल से इस घर की बहू नहीं मानेंगे, पता है मुझे सब। यार नौरीन, तुम कहाँ की बात को कहाँ ले जाती हो? कहा था ना कि जब भी जाओ अम्मी से पूछ कर जाना, और खासकर जब सारा को लेकर जाओ तो पूछ कर जाना। क्या करूं, उनको क्या जवाब दूंगी अब मैं? नहीं, मुसीबत खड़ी हो गई अब तो। शौकी, वाह वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। बोला था ना ये हाथ मारा है तूने, अब देखना कहां कहां से किधर किधर से नोट आएंगे। कितना मासूम चेहरा है, जब अपने मासूम चेहरे से ये काम करेगी तो देखना, जिसका दिल नहीं भी करेगा वो भी मजबूर हो जाएगा। शोकित, ये तो क्या कह रहा है? तुझे पता है ये मुझे अपनी बच्ची की तरह अजीज है। हाँ, चुप कर, अपनी बच्ची तो नहीं है ना। क्या हो गया है तुझे, क्यों ऐसी बातें कर रहा है? देख देख इसकी शक्ल, हमारी बच्ची की तरह है, देख देख इसे देख। हाँ, मिलती है तो क्या हुआ, हमारा जो काम है उसमें कोई किसी का नहीं होता, जो होता है वो देने वाला होता है। अब सुन मेरी बात, ये बच्ची मेरे पास रहेगी। शकीब देख, नहीं तो कभी भी ऐसी बात मत करना, की ना तो बस
मैं उसे वापस ले जाऊंगी। हाँ चल रख ले कुछ दिन, उसके बाद मेरे हवाले कर, इसकी मैं अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा। चल बेटा आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, पता है मुझे, अब रखो फोन। तो पता चला तुम्हें, नौरीन सारा को मुझे बताए बगैर ले गई। तुम्हें तो पता है ना नौरीन की आदत का। पता है मुझे, इजाजत लेके गई है मुझसे। अब हर बात तुमसे पूछ के करेगी क्या वो? मैं घर का सरबरा हूँ, मुझसे इजाजत ले ली बस खत्म, ठीक है? लेकिन मेरी दो कौड़ी की इज्जत है इस घर में, इसलिए ये बातें हो रही है। ऐसा क्यों सोच रहे हो जफर? मैंने नौरीन को कहीं जाने से मना किया है। तो मसला क्या है? ये तुम सारा को लेके इतनी जज्बाती क्यों हो जाती हो? हर वक्त शक करती हो मुझ पे, और इस वक्त नौरीन पे क्यों शक किया जा रहा है? मुझे पहले उस पर और उसकी नियत पर शक था। तुम्हें पता है दो दिन पहले उसने सारा पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया है? हाँ तो पहली दफा तुम जाने न देती, क्यों जाने दिया तुमने उसको? तुम समझा, तुम इस घर में सुकून से रह नहीं सकती हो बिल्कुल। मैं नहीं चाहती। तुम जो सारा के बारे में सोचते हो तुम्हें अंदाजा है? जफर, सारा हमारे घर की इज्जत है, तुम उसके महाफिज हो। तुम ऐसा काम करोगे तो फिर दुनिया क्या कहेगी? अच्छा, सारी जिंदगी मेरा तुम्हारा साथ रहा, अब उस बच्ची के लिए तुम मुझे मुजरिम ठहरा रही हो? अगर तुम्हें सारा इतनी प्यारी है तो रखो इसे, मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो जफर? मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि तुम में से किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। मैं जीऊं या मरूं।